किसी ने सच्ची कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इन्हीं बातों को आगरा के देवराज सिंह ने चरितार्थ करने का काम किया है। देवराज सिंह ने दो बार निराशा हाथ लगने के बाद भी यूपीएससी के जरिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 13वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमांडेंट बन अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करने का काम किया है। वहीं इस मौके पर फूलमाला पहनाकर और मिष्ठान खिला उनका स्वागत किया गया। आगरा के लाल देवराज सिंह ने आगरा के साथ साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन करने का काम किया है। आगरा के इस लाल ने यूपीएससी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्जाम में 13वीं रैंक हासिल की है। ये रैंक हासिल करने के साथ ही वे असिस्टेंट कांस्टेबल बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरा परिवार गदगद नजर आ रहा है। तो वहीं देवराज सिंह का उपलब्धि का श्रेय अपने पूरे परिवार को दे रहे हैं। वहीं सबको लेकर जब देवराज सिंह से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि तीसरी बार में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले उनका सिलेक्शन नेवी में हुआ था, लेकिन उन्हें आर्म फोर्स ज्वाइन करनी थी, इसलिए नेवी को छोड़कर आर्म फोर्स से संबंधित एग्ज़ाम देना शुरू किया। सफलता यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम में लगी। इस एग्ज़ाम में उन्हें 13वीं रैंक हासिल हुई। इससे पहले दो बार यूपीएससी के इंटरव्यू में वे रह गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका जीता जागता सबूत देवराज सिंह हैं, जिन्होंने दो बार निराशा हाथ लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और इस बार सारी ताकत उन्होंने एग्जाम में लगाकर एग्जाम क्लियर कर अपना सपना पूरा किया। सबसे पहला दिमाग में जो थॉट आता है कि अब हम पुलिस के पास जाएंगे, अब हम फोर्सेस में जाएंगे। अगर वो चीज़ नहीं होगी ना तो सर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा, और मैं अपने आप को और मेरी पर्सनैलिटी जो है मैं उसको फोर्सेज के अकॉर्डिंग ही मानता हूँ कि हाँ मैं फोर्सेज में ही जा सकता हूँ, बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा देश के लिए। अंततः मैं देश के काम आ पाऊंगा, एज एन असेट मैं देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। दूसरी सेवा करने लगते हैं सर, मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मुझे पैसे की चाहत कभी से नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मुझे जाना हमेशा से यहीं था, इसीलिए मैं यहीं हूँ। और ऐसा है कि मैंने चीज़ों को बहुत ग्राउंड रियलिटी पे देखा है, एकदम ग्राउंड लेवल पर, और मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ अपने देश के लिए। और बात रही आगे की सेवा की, तो मैं ज़रूर एक दिन एक मेडल और अशोक चक्र यह सब लाऊँगा अपने देश में, और मैं प्रूव करूँगा कि मैं कभी भी देश सेवा से अलग कुछ भी नहीं सोचा था। अशोक चक्र लाने का सपना है जी सर, क्योंकि वही गैलेंट्री अवार्ड है जो पैरामिलिट्री में सबसे ऊपर होता है। बाकी आर्मी में परमवीर चक्र होता है, पैरामिलिट्री में अशोक चक्र मिल सकता है सबसे हाईएस्ट। तो मेरा सपना है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मुझे अशोक चक्र मिले। आपको बताते चले कि देवराज सिंह के पिता राजेंद्र कुमार मौजूदा समय में आरपीएफ के स्वान दस्ते में हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हैं। बेटे के असिस्टेंट कमांडेंट बनने से वे अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पिता जमींदार थे, लेकिन पिता ने फिर भी उन्हें खाकी पहनने को कहा, इसलिए उन्होंने फोर्स को ज्वाइन कर लिया। अब उनका सपना था कि उनका बेटा उनसे भी आगे जाए। बेटा भी यही संस्कार लेकर बड़ा हुआ और बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, रैंक हासिल की और एक ऊंचे पद पर बेटा पहुंच गया। बेटा अब असिस्टेंट कमांडेंट बन गया है। बेटे का इस पोस्ट पर सिलेक्शन होना उन्हें गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मेरा नाम हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार है, आरपीएफ स्वान दस्ता आगरा। कितना गर्व है आपको अपने बेटे पर कि आप कांस्टेबल और आपका बेटा असिस्टेंट कमांडेंट होने? वो हर माँ बाप को गर्व होता है और होना चाहिए। कितनी मेहनत कर रहा है आपका बेटा? बेटे ने सर इतना मेहनत किया कि कभी कभी हमारा दिल भी दुखी होता, दो घंटे सोना दो रोटी काटा, तो इसके शरीर को देख के हमको खुद अपने आप को ये लगता था कि कोई नहीं दो रोटी खा लेंगे उसी से गुजारा कर लेंगे। अच्छे संस्कार दिए आपने बेटे को? अच्छे संस्कार बाबा के और उसकी माँ के थे। अच्छा, माता पिता का योगदान रहता है? जी, बाबा का ज़्यादा था। अच्छा, बेटी ने सपना पूरा किया? अच्छा, क्या सपना देखा था आपने बेटी के लिए? बेटे के यही सपना और यही शिक्षा थी कि बेटा हमारे बाबा जिम्मेदार थे, अब सिपाही हो गए, आप कुछ हमारे से आगे जाओ। अच्छा। यही हमेशा शिक्षा दी कि हमारे पिताजी जिम्मेदार होते हुए हमको पुलिस में भर्ती कराया, आप कुछ हमारे से थोड़ा भी आगे चले जाओ तो हमारी हमको संतुष्टि मिलेगी। किस मंजिल पर और देखना चाहते हैं बेटे को? हमको यीशु ने जो दिया है इतना काफ़ी है, हम इससे संतुष्ट हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमको जो दिया है इसी को बरकरार बना के रखे। वहीं खुशी के इस पल को राजेंद्र और उनके बेटे देवराज ने अपने पिता के सहकर्मियों के साथ साझा किया। देवराज के पिता और उनके सहकर्मियों ने देवराज को माला पहनाकर और मिष्ठान खिलाकर इस खुशी के पल को एक दूसरे के साथ बनाया। वहीं इस मौके पर देवराज सिंह का कहना है कि उनका सपना अशोक चक्र प्राप्त करना है, जो आज असाधारण बहादुर के लिए दिया जाता है। आर्म फोर्स में जाकर वे देश सेवा के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं।
जिससे उनके पिता व उनके परिवार को उन पर गर्व हो और वे अशोक चक्र जैसा सम्मान पा सकें।